A healthiest good morning, my dear students. Today our topic is economic measures of lesson 3, Sultans of the Delhi. In the previous video, we discussed about the Alauddin Khilji dynasty. Today, we are going to discuss about the economic measures. Alauddin wanted to conquer Deccan and Rajasthan. Alauddin जो है Deccan और Rajasthan पे भी को जीतना चाहता था. फॉर दिस ही नीडिड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी. इसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत थी. टू मेंटेन द आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने के लिए ही नीडिड लार्ज रिवेन्यू. उसे एक बड़ी मात्रा में जो है रिवेन्यू की ज़रूरत थी, अमाउंट की ज़रूरत थी. टू इंक्रीज रिवेन्यू कलेक्शन ही कंट्रोल द प्राइसेज ऑफ ऑल कॉमोडिटीज़, फूड ग्रेन्स, कैटल, स्लेव्स एट्सेट्रा. उसने रिवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया, कंट्रोल कर लिया था सभी प्राइस, सभी वस्तुओं की प्राइसेस पे, जैसे कि फूड ग्रेन से रिलेटेड, कैटल से रिलेटेड, स्लेव्स यानी दास दासियों से रिलेटेड जो है सभी चीज़ों पे उसने कंट्रोल कर लिया था प्राइस पे. सेकंड पॉइंट इज़ द सुल्तान मेड अरेंजमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू बाई ऑल एक्सेस नॉन पेरिशेबल कॉमोडिटीज़. सुल्तान मेड अरेंजमेंट, सुल्तान ने व्यवस्था कर दी थी गवर्नमेंट के लिए टू बाय ऑल एक्सेस नॉन पेरिशेबल कॉमोडिटीज़, सारी की सारी जो एक्स्ट्रा नॉन पेरिशेबल कॉमोडिटीज़ थी उनको खरीदने के लिए. थर्ड जो पॉइंट था उसने क्या किया कि ए स्ट्रिक्ट वॉच वॉज कैप्ट ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉमोडिटीज़. उसने एक कड़ी निगरानी रख दी थी बाइंग और सेलिंग पे, वस्तुओं की जो बाइंग और सेलिंग की जा रही थी उसके ऊपर उसने कड़ी निगरानी रख दी थी. एनीवन फाउंड चीटिंग वॉज सेवरली पनिश्ड. कोई भी अगर चीटिंग करता हुआ पाया जाता तो उसको दंड दिया जाता था. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो स्टेट राज्य था ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन, सारा का सारा जो भी अमाउंट का संग्रह करता था, जितनी भी निगरानी होती थी लैंड रिवेन्यू की, वो सारा का सारा उसके अंडर कंट्रोल हो गया था. द राइट्स ऑफ लोकल चिफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड. जो लोकल चिफ्टेंस थे, लोकल जो अधिकारी थे, उनको राइट था टैक्सेस लगाने का, लेकिन अब वो भी कैंसिल कर दिया गया था. एंड दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो टैक्स पे करें. जो लैंड लोकल चिफ्टेंस थे, जो उनको फोर्स किया जाता था कि वो टैक्स पे करें. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस, थ्री टाइप्स के टैक्सेस थे. फर्स्ट इज़ ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज विच अमाउंटेड टू 50% ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस. फर्स्ट जो टैक्स था वो क्या था, फर्स्ट टैक्स जो था वो उसको खराज बोला जाता था, जो कि 50% था पीजेंट्स की प्रोडक्शन का. जितना किसान लोग प्रोडक्शन करते थे उसका 50% हिस्सा जो है खराज के रूप में, खेती के ऊपर जो खराज के रूप में जो है देना पड़ता था टैक्स के लिए. ऑन कैटल, सेकंड जो था कैटल के ऊपर लगाया गया था, जितने भी पशु वगैरह थे उनके ऊपर. और जो थर्ड था ऑन हाउसेज, यानी घरों पे भी लगाया जाता था टैक्स. द रिवेन्यू रिफॉर्म्स मेड मोर मनी अवेलेबल टू द किंग. रिवेन्यू जो है, जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स मेड मोर मनी. अब रिवेन्यू जो थी उसने, वो जो है ज़्यादा पैसा उसके पास हो गया था, राजा के पास अवेलेबल हो गया था. विद द हेल्प ऑफ द मनी, हेल्प जो है मनी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द मनी, पैसे की सहायता से अलाउद्दीन वाज एबल टू कीप ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी. अलाउद्दीन के पास अब वो एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रख सकता था. ही इम्पोर्टेड हॉर्सेस एंड पेड हिज सोल्जर्स इन कैश. अब वो हॉर्सेस को इम्पोर्ट करता था और जो है सोल्जर्स को, सिपाहियों को कैश में ही पे कर देता था. ए डिस्क्रिप्टिव रोल वॉज मेंटेन फॉर ईच सोल्जर. एक डिस्क्रिप्टिव रोल, जिसको क्या बोला जाता था, चेहरा बोला जाता था. डिस्क्रिप्टिव रोल वॉज मेंटेन्ड फॉर ईच सोल्जर. प्रत्येक सोल्जर्स के लिए एक रोल जो है, डिस्क्रिप्टिव रोल मेंटेन किया गया था, जिसको चेहरा बोला जाता था. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, तुगलक डायनेसिटी. अब जो है तुगलक डायनेसिटी आ गई थी. खिलजी डायनेसिटी का आज हमने रीड किया है कंप्लीट रूप से. फिर तुगलक डायनेसिटी आ गई थी 1314 तक, यानी AD 1320 से AD 1414 तक तुगलक डेंसिटी का राज था. गयासुद्दीन तुगलक जो फर्स्ट शासक थे तुगलक डेंसिटी के, वो कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक. गयासुद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डेंसिटी. तुगलक डेंसिटी के गयासुद्दीन फर्स्ट रूलर थे. ही वॉज ए कैपेबल मिलिट्री कमांडर. वो एक सक्षम सैन्य कमांडर थे. ही सुप्रेस्ड मैनी रिबेलियंस एंड कंसोलिडेटेड द एम्पायर. जो उसने कई विद्रोहों को दबा दिया था और साम्राज्य को जो है मजबूत किया था. ही वॉज सक्सीडेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसके उत्तराधिकारी थे. किसके, गयासुद्दीन तुगलक के. फर्स्ट रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक.
यहाँ पे देखिए बच्चों, अलाउद्दीन कैंपेंस इन टू द साउथ इंडिया। अलाउद्दीन जो पहले हमने रीड किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसने अपना जो साउथ इंडिया के अंदर जो है कैंपेन चलाए थे वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। 1299 में कहाँ चलाया था, दिल्ली 133 में कहाँ चलाया था, जब रणथंबोर में कहाँ कब किया था, तो ये सारे उसके कैंपेन दिखाए गए हैं, कब कब उसने विद्रोह छेड़े थे, कहाँ कहाँ छेड़े थे। अब देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, मोहम्मद बिन तुगलक सक्सेडेड हिज फादर गयासुद्दीन तुगलक, उसके वो उत्तराधिकारी बने थे गयासुद्दीन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज़ ए वेरी लर्न मैन, वो एक बहुत ही लर्न मैन यानी कि बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे वो एक, और ही हैड डीप नॉलेज इन फिलोसफी लॉजिक मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, उनको दर्शन शास्त्र में, तर्क शास्त्र में, गणित में और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था, फिलोसफी लॉजिक मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन का। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन अरेबिक एंड तुर्कीश, वो जो है फारसी अरबी और तुर्की जैसी कई भाषाओं को भी जानता था। ही ऑल्सो न्यू संस्कृत, वो संस्कृत को भी जानता था। यहाँ पे देखिए बच्चों, इब्ने बतूता एंड मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे दिखाए गए हैं, तस्वीर दिखाई गई है उनकी। नेक्स्ट जो है देखिए आगे, नेक्स्ट में क्या कहता है ये, यहाँ पे एक इंडिया का मैप दिखाया गया है, एक्सटेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स एम्पायर, उन्होंने अपना एम्पायर कैसे एक्सटेंड किया था, कहाँ कहाँ किया था, तो हम यहाँ पे आगे रीड करेंगे उनके उसके एम्पायर के बारे में भी। तो द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज पीरियड आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द मोरक्को ट्रैवलर इब्ने बतूता, उनका जो मेन इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके पीरियड के बारे में वो कहाँ से मिलती है, मोरक्को ट्रैवलर था एक इब्ने बतूता, मतलब मोरक्को से ट्रैवलिंग करता हुआ आया था इंडिया के अंदर जो है, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति ने अपने रिकॉर्ड्स में जो है उनके जो उसके जो रिकॉर्ड्स मिले इब्ने बतूता के इस पीरियड के दौरान, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है। इब्ने बतूता लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फॉर मैनी ईयर्स, इब्ने बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में काफ़ी सालों तक रहा था। ही टेल्स अस दैट, उसने हमें बताया कि द किंग वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज़, जो राजा था वो एक ग्रेट आइडियाज़ मतलब बहुत अच्छे विचारों का राजा था वो एक, अपने उसके जो विचार थे, एक महान विचारों का व्यक्ति था वो एक, और उन्होंने कई महत्वाकांक्षाई योजनाओं के बारे में सोचा था। ही थॉट ऑफ मैनी एम्बिचुअस स्कीम, उसने बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में सोचा भी था, किसने, जो हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने। हाउएवर ही डिड नॉट इम्प्लीमेंट हिज आइडियाज़ प्रॉपरली, हालांकि उसके जो विचार थे उसने उस अपने विचारों को ठीक से लागू नहीं किया। देयरफॉर ही प्लान्स फेल्ड, इसीलिए उसकी जो योजना थी वो विफल हो जाती थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल देखिए बच्चों, जो कैपिटल थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में। देवगिरी दौलताबाद में वो अपनी दिल्ली जो उसकी वो थी, दिल्ली उसकी कैपिटल थी, उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर दे मतलब ट्रांसफ़र कर देगा। देयर वर टू रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे दो रीज़न थे। फर्स्ट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक थॉट दैट इट वुड बी ए बेटर प्लेस टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द एम्पायर, पहला जो रीज़न था उस जो कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला रीज़न था वो ये था कि वो ये मानता था कि जो देवगिरी दौलताबाद है वो एक बेटर प्लेस है संचालन करने का और अपने एम्पायर के ऊपर कंट्रोल रखने का। द मंगोल्स, सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था, द मंगोल्स कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंडेड दिल्ली, जो मंगोल्स थे वो दिल्ली को बार बार डराते धमकाते रहते थे, धमकी देते रहते थे। दौलताबाद वुड नेवर हैव सच ए प्रॉब्लम, और दौलताबाद में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी, इसलिए वो ये जो है ये सब सोचता था, इसलिए उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक इंस्ट्रक्टेड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू लीव द सिटी एंड मूव टू दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया कि एंटायर पॉपुलेशन को, दिल्ली के एंटायर पॉपुलेशन को आदेश दिया कि वो इस शहर को छोड़ दे और दौलताबाद में शिफ्ट हो जाए। द पीपल रिसेंटेड द आइडिया ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दौलताबाद, जो लोग थे दिल्ली के, जनता थी जो, उसने क्या किया, नाराज़गी जताई दौलताबाद को, दौलताबाद में शिफ्टेड होने के लिए, शिफ्टिंग होने के लिए नाराज़गी जताई कि हम नहीं जाएंगे। द जर्नी टू दौलताबाद वॉज लॉन्ग एंड आर्डियस, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, उसने फिर भी बहुत सारी लंबी और कठिन जो है जर्नी यात्रा करके मतलब जो है दौलताबाद तक ले ही आया अपनी कैपिटल को। सून ही रियलाइज दैट, बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप ए चेक ऑन द नॉर्थन फ्रंटियर्स फ्रॉम दौलताबाद, कि वो
बाद में उसे ये महसूस हुआ कि दौलताबाद से उत्तरी जो सीमा थी उस पर एक निगरानी रखना जो है असंभव हो गया था उसके लिए। अब वो नॉर्थन एरिया पे जो है निगरानी नहीं रख पा रहा था। सो ही ऑर्डर द पीपल टू मार्च बैक, इसीलिए उन्होंने लोगों को वापस मार्च करने का आदेश फिर दे दिया कि वो वापस वहीं पर चले। द किंगडम ऑफ द डेक्कन सा दिस एज द साइन ऑफ ए वीक सुल्तानेत, मतलब सल्तनत, एंड बिगेन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। दक्कन के राज्यों ने इसे कमज़ोर सल्तनत की निशानी के रूप में देखा और अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। मतलब कि समझिए बच्चों कि वो बार बार अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा था। पहले उसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद में ले गया देवगिरी में, फिर देवगिरी से उसने सोचा वहाँ पे जाके बड़ी मुश्किल से तो वो वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाने के बाद फिर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से वो नॉर्थन फ्रंटियर्स के बारे में नहीं देख पा रहा, तो फिर दोबारा कहता है कि लोगों को वहीं पे चलो जहाँ से आए हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो डेक्कन के जो राज्य थे ना, डेक्कन के जो राज्य थे उन्होंने ये देखा कि ये तो एक वीक सल्तनत है, ये तो एक कमज़ोर सल्तनत है, बार बार ये तो यहाँ से यहाँ अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब इसको हम आसानी से जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो है वहाँ पे लड़ाई दंगे फिर स्टार्ट होने लगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्सटेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ गया। जैसे यहाँ पे दिल्ली दिखाया गया है, दिल्ली से उसने अपनी जो ट्रांसफ़र की थी, अपनी जो ट्रांसफ़र की थी अपनी कैपिटल, वो कहाँ पे ले गया, देवगिरी दौलताबाद में ले गया, यहाँ से यहाँ। फिर वो जो साउथ नॉर्थ के जितने भी नॉर्थ का जो एरिया था उसको वो नहीं देख पा था फ्रंटियर्स की क्या हो रहा है क्या नहीं, इस वजह से दोबारा कहते हैं कि दिल्ली ही चलो। तो इसलिए जो दूसरे राज्य थे, जो डेक्कन प्लेस थे, वो क्या हो गया कि वो सोचने लगे कि ये तो एक वीक सल्तनत है। सो आज हमने ये रीड कर लिया बच्चों, कल हम नेक्स्ट पेज का रीड करेंगे। कल हम टेक्सटेशन इन द दोआब, टेक्सटेशन इन द दोआब के बारे में रीड करेंगे। आप अच्छे से इस जितना भी आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।